नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अकबर को मुगल वंश का शासक घोषित कर दिया जाता है, बादशाह बना दिया जाता है, और बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक बन जाता है। तो इस प्रकार से अकबर का राज्याभिषेक होता है। लेकिन जिस समय अकबर को भारत की सत्ता प्राप्त हुई, उस समय चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। अकबर के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तो कौन कौन सी चुनौतियां थी, अकबर के सामने क्या क्या समस्याएं थी, इसके साथ ही साथ अकबर ने उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया, समाधान किस प्रकार से किया, सारा कुछ हम आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, अकबर की प्रारंभिक चुनौतियां एवं उनका निराकरण। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि अकबर जिसका राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को, इससे 17 दिन पहले 27 जनवरी 1556 को अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। सीढ़ियों से गिर गए थे और उससे उनका सर फट गया, उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं जिसने एक वर्ष पहले ही अपनी सत्ता पुनः प्राप्त की थी, तो वो जो है अपने राज्य को व्यवस्थित नहीं कर सका था। एक वर्ष का ही उसको समय मिला था, तो जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसको वह व्यवस्थित नहीं कर सका था। सब कुछ जो है अव्यवस्थित था उसके अधिकार में। हुमायूं के अधिकार में दिल्ली, आगरा का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और कुछ आसपास के दूसरे क्षेत्र थे। तो जिस समय उसकी मृत्यु हुई, अकबर का राज्याभिषेक हुआ, तो अकबर के पास यही सब क्षेत्र थे, दिल्ली, आगरा और इधर पंजाब का कुछ क्षेत्र और जो काबुल कंधार वाला क्षेत्र। लेकिन जो अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग कहें तो अकबर के अधिकार में केवल और केवल जो पंजाब का जो कुछ क्षेत्र होता है, गुरुदासपुर जहां उसका राज्याभिषेक होता है, कलानौर, तो उसी के आसपास के कुछ ही क्षेत्रों में अकबर की जो पकड़ है वो मजबूत होती है, वहां उसकी स्थिति ठीक ठाक होती है। बाकी अगर हम लोग बात करें दिल्ली और आगरा की, तो वहां पर अफगान, जैसे ही पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तो हेमू आ जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, आदिल शाह सूर का सेनापति, उसका प्रधानमंत्री, वो उस तरफ सारा कुछ कैप्चर कर लेता है। तो उस तरफ जो है मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा जो काबुल कंधार है, अफगानिस्तान है, उस तरफ भी यही हालत हो जाता है। तो जो बचता है पंजाब, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या कुछ इसके सामने चुनौतियां थी, समस्याएं थी, फिर निराकरण देखेंगे। तो सबसे पहला मैंने लिखा है सीमित व असंगठित साम्राज्य। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो अकबर के पिता थे हुमायूं, उन्होंने दिल्ली की सत्ता को पुनः कब प्राप्त किया, 1555 में। तो दिल्ली, आगरा, पंजाब और पहले से ही इनके पास काबुल था, तो यही क्षेत्र उनके अधिकार में था। जब अकबर शासक बना तो व्यवस्थित जो अफगान थे उनको फिर से एक मौका मिल गया कि अपने राज्य को फिर से प्राप्त किया जा सके। तो दिल्ली, आगरा में बहुत सारे जो अफगान है सक्रिय हो जाते हैं। वहीं पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में सिकंदर सूर, जिसको अकबर और बैरम खान ने सरहिंद के युद्ध में परास्त किया था, तो वो अपने आप को उधर सुदृढ़ करने में लगा हुआ होता है। काबुल भी हाथ से निकलता हुआ लगता है। तो अकबर के पास बहुत ही छोटा सा राज्य होता है और वो बहुत सीमित होता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा असंगठित होता है। उसमें संगठन नाम की कोई चीज नहीं होती है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता है। उसके बाद दूसरा है, उसका दूसरा चीज है असंगठित, अच्छा ये सैनिक होना था, असंगठित सैनिक, दूसरा टॉपिक मैंने जो लिखा नहीं है, असंगठित सैनिक। तो देखिए अकबर के पास जो सैनिक थे ना, असंगठित थे, साथ ही साथ सैनिकों की संख्या भी सीमित थी। कारण वही कि हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु और हुमायूं को यहाँ शासन करते हुए एक ही वर्ष हुआ था और दूसरी कई सारी चुनौतियां थी। तो इस कारण से जो सैनिक संगठन है वो हुमायूं खुद उतने अच्छे से नहीं कर पाया था। तो अकबर के पास में जो बैरम खां के नेतृत्व में जो सेना होती है वही उसके पास होती है, उसके अधिकार में होती है और वो भी असंगठित होती है। कारण ये होता है कि जो अकबर के पास जो भी खजाना होता है, जो धन दौलत होता है जिससे वो अपने सैनिकों को वेतन दे, उसकी कमी होती है। तो थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर सैनिक उसके पास नहीं होते। तीसरा, अकबर के प्रतिद्वंदी। देखिए अकबर के सामने ना बहुत सारे उसके प्रतिद्वंदी थे, जिनमें से सबसे पहला सिकंदर सूर, जिसको सरहिंद के युद्ध में परास्त किया था अकबर बैरम खान ने, वो पंजाब में बना हुआ था। आदिल शाह सूर, जो कि खुद को शेर शाह सूरी का वंशज मानता था, उसका उत्तराधिकारी मानता था,
और जो शेरशाह सूरी का प्रधानमंत्री था हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, वो मतलब कसम खा के निकला है कि वो जो है भारत से मुगलों को खदेड़ कर ही रहेगा। और वो जो है इसमें लगभग लगभग कामयाब भी हो जाता है, लेकिन मतलब कामयाब होने ही वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि मुगलों की जीत हो जाती है पानीपत के युद्ध में। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, पानीपत का युद्ध डिटेल में देखेंगे। तो हेमू हो गया, इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर वो भी थोड़ा समस्या खड़ा करता है, प्रतिद्वंदी था। तो अकबर के सामने बहुत सारे प्रतिद्वंदी थे और अकबर मात्र 13-14 साल का बालक। उसके बाद विश्वासघाती, देखिए अकबर के बहुत सारे सगे संबंधी, अकबर के बहुत सारे सरदार उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके विश्वासघाती होते हैं, मतलब कि अकबर को धोखा दे देते हैं। अकबर के जो पहले साथ होते हैं जो कि हुमायूं के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं, तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, अकबर की स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो सरदार हैं, वो लोग फिर उसको धोखा देना चालू कर देते हैं। जिनमें पहला नाम याद रखेंगे मुहम्मद खान, जो कि उसका सौतेला भाई था, जो कि काबुल पर अधिकार कर लेता है, वहां पर बना बैठा है, बोलता है अपना स्वतंत्र शासन करेंगे, मुहम्मद खान याद रखेगा, मिर्जा मुहम्मद, ये काबुल में बना हुआ था। उस पर मुनीम खान, मुनीम खान कौन था, पहले ये अकबर का संरक्षक हुआ करता था, लेकिन इसको जो है अकबर के संरक्षक पद से हटा दिया जाता है और अकबर के दूसरे भाई मिर्जा हाकिम उसका संरक्षक बना दिया जाता है। तो वो भी थोड़ा सा अकबर के प्रति विश्वासघात कर देता है मिर्जा हाकिम के साथ मिल करके, और आगे चल करके तो मिर्जा हाकिम वो भी काबुल पर अधिकार कर दिया होता है, लेकिन फिर अकबर जो है काबुल को जीत भी लेता है, वो आगे बहुत आगे होता है, तो उस बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मुनीम खान, इसके बाद तारदी बेग, तारदी बेग ये भी समस्या खड़ी करता है, फिर शाह अबुल माली। देखिए ये जो तीन लोग है ना, मुनीम खां हो गया, तारदी बेग हो गया, शाह अबुल माली, ये जो तीनों है ना, जब बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर देते हैं, तभी से ये तीनों बैरम खां मतलब कि सीधे सीधे अकबर के लिए चुनौती बन जाते हैं, विश्वासघाती हो जाते हैं। जो अबुल माली है वो तो सीधे सीधे अकबर के जो भी आदेश होते हैं उनकी अवहेलना करना चालू कर देता है, तो ये लोग अपने ही लोग विश्वासघात भी करना शुरू कर देते हैं अकबर के खिलाफ। उस बाद पांचवा, अकबर का अल्पवयस्क होना। देखिए ये सबसे बड़ा एक कारण था अकबर के लिए चुनौती, खुद अकबर था, मतलब वो छोटा था, अल्पवयस्क था, 13-14 साल का बालक था। अब अल्पवयस्क क्या है, मतलब उसको किसी चीज का कोई अनुभव नहीं है, भले ज्ञान है मतलब चीजों को वह समझता है, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है, चीजों को किस प्रकार से हैंडल करना है इन सब चीजों को वह नहीं समझ पाता है, क्योंकि अनुभव की उसको कमी है। तो ये कारण था, उसके सामने चुनौती था ये चीज भी। खैर वो धीरे धीरे जो है चीजों को समझने लगता है, और उसका जो संरक्षक होता है बैरम खां, वो इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, लगभग सब कुछ वही आगे करेगा, देखेंगे हम लोग, बैरम खां के बारे में भी डिटेल में वीडियो आएगा। उसके बाद संरक्षक की समस्या, संरक्षक कौन था, बैरम खां, बार बार नाम आ रहा है, तो संरक्षक कौन था, बैरम खां, जिसको कि सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया बैरम खां को, तो ये भी अकबर के लिए चुनौती खड़ा करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि बैरम खां अकबर के लिए चुनौती खड़ा करता है, ये नहीं, बैरम खां के कारण जो दूसरे अमीर सरदार होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ का नाम बताया, तारदी बेग, मुनीम खां, उसके बाद शाह अबुल माली, तो ये लोग जो हैं बैरम खां से चिढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बैरम खां को संरक्षक बना दिया गया है। आगे चल करके बैरम खां अकबर का प्रधानमंत्री भी बन जाता है, वकील ए सल्तनत। तो उससे जो बाकी बहुत सारे जो अमीर सरदार होते हैं, जो बेग होते हैं, वो लोग फिर इससे चिढ़ने लगते हैं और आपस में ही उनका जो है तनातनी चलता रहता है। तो ये भी एक अकबर के लिए समस्या थी, मतलब कि वो बाहर अपने प्रतिद्वंदियों से निपटे, सिकंदर सूर से निपटे, कि आदिल शाह से निपटे, कि अपने रिश्तेदारों से निपटे जो उसके विश्वासघाती थे, या फिर अपने सरदारों से निपटे, तो ये अंदर ये समस्या भी थी उसकी। तो कई सारे जो सरदार थे बैरम खां से चिढ़ते थे। देखिए बैरम खां के ऊपर जो दूसरे सरदार थे ना, वो लोग आरोप लगाते थे कि ये फारसी है, फारस का है, ईरान का है, तो ये तुर्क लोगों से को पसंद नहीं करता, ऐसा आरोप लगाते थे। साथ ही साथ बैरम खां सियामत का अनुयायी था, तो इस पर ये भी आरोप लगता है कि ये जो है सुन्नी मुसलमानों को पसंद नहीं करता है। तो इस कारण से जो अकबर के जो सरदार थे, जो बेग थे, उनमें आपस में थोड़ी सी खटपट रहती थी, तो ऐसे में वो बाहरी चीजों से कैसे निपटे, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। उसके बाद प्रशासनिक अव्यवस्था, देखिए
जैसा मैंने बताया शुरू में कि हुमायूं जो है एक वर्ष बाद ही मर जाता है शासन अपना मतलब सत्ता प्राप्त करने के बाद, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको वो सुदृढ़ नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग का होता है। तो ये भी अकबर के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इस चीज को उसको ठीक करना है। आगे चल करके धीरे धीरे सब चीज जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। बैरम खां के संरक्षण से जब अकबर मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है, तो सारा कुछ वो सेटलमेंट कर लेता है। हालांकि यहां से बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि उसके विश्वासघाती हो गए, उसके प्रतिद्वंदी हो गए, और ये हो गया जैसे कि अल्पवयस्क आगे चल के वो बड़ा हो जाता है, वो जो संरक्षक है, तो ये सब चीजें जो है ना कुछ समय बाद ही सॉल्व हो जाता है। बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अकबर की बहुत ही उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी, तो सभी समस्याओं को वो जो है आगे करके धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे कि प्राकृतिक विपदाएं। देखिए, जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ, अकबर भारत का शासक बना, बादशाह बना, तो उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, खाने पीने के सामान मतलब खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जो लोग हैं वो आदमी का मांस खाने लगे थे। तो ऐसे में चारों तरफ बिल्कुल अव्यवस्था थी, अराजकता का माहौल था। इसके अलावा प्लेग, प्लेग एक बीमारी हुआ करती थी, अभी तो इसका नाम नहीं आता है, मतलब अभी ये बीमारी नहीं है, तो प्लेग बीमारी ये फैल गया था, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम। तो अब ऐसे में जो उस समय जो भी मतलब किसान जो उत्पादन करते हैं अनाज, तो ये अकबर के लिए भी समस्या खड़ी हो गई कि अपने किसान अपने सैनिकों के लिए कहां से वो सामान लाए, और वो अगर राजा बनता है शासक बनता है किसके ऊपर शासन करेगा, जनता के ऊपर ही ना, अब जनता भूख से मर रही है, तो ये भी एक अलग समस्या थी। इसके अलावा जो राजपूत थे, राजपूत राजस्थान वाले, हालांकि राजपूतों का दमन खानवा के युद्ध में हो गया था, लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। इस समय जो मारवाड़ का शासक मालदेव वो काफी शक्तिशाली था। इसके अलावा जो राजपूत है मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो खानवा के युद्ध से उबर रहे थे, तो वो भी एक चुनौती थी। हालांकि उस चीज को अकबर ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, थोड़ा सा मेवाड़ परेशान करता है अकबर को, लेकिन अकबर अपनी राजपूत नीति, आगे हम लोग पढ़ेंगे अकबर की राजपूत नीति के विषय में, तो उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल करता है। राजपूतों को अपना शत्रु नहीं मानता है, वो राजपूतों को अपना मित्र बना लेता है। एक बढ़िया बेहतरीन समय की शुरुआत होती है अकबर के समय में, देखेंगे हम लोग आगे इस चीज को भी। इसके बाद आप बात करते हैं अकबर द्वारा इन समस्याओं का, इन चुनौतियों का निराकरण किस प्रकार किया गया। तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, जो क्या कहते हैं, जैसे ही उसका 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक हो जाता है, तो उसके बाद जो शाह अबुल माली, ये जो शाह अबुल माली है, मैंने बताया कि इसका क्या कहेंगे विश्वासघाती था, जब बैरम खां को संरक्षक नियुक्त किया तो उस टाइम पर ये जल रहा था, क्योंकि ये भी दावा ठोक रहा था मुझे बनाया जाए, लेकिन इसको नहीं बनाया जाता है। तो ये जो है ना अकबर के आदेशों की अवहेलना करना शुरू कर देता है। देखिए, अकबर के आदेश मतलब जो बैरम खां है वो आदेश जारी करता था अकबर के तरफ से, क्योंकि अकबर कुछ नहीं करता था, वो तो छोटा बच्चा था 13-14 साल का, वो खेलने कूदने शिकार करने उसी में रमा रहता था, जो भी सारा काम है वो बैरम खां करता था, बैरम खां अकबर के नाम से। तो सीधे सीधे बैरम खां ये बोल सकते हैं हम लोग, तो अकबर के आदेशों की अवहेलना करता था, तो सीधे सीधे बादशाह को चुनौती थी। तो बैरम खां क्या करता है, इसको सबक सिखाना मतलब जरूरी था, क्योंकि हो सकता है बाद में इसकी देखा देखी में जो दूसरे सरदार हैं, दूसरे बेग हैं, वो भी ऐसा ही व्यवहार करने शुरू कर दे, आगे चल करके विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बैरम खां क्या करता है, शाह अबुल माली को एक भोज में आमंत्रित करता है, मतलब बिल्कुल दावत देता है, और वहां पर सबके सामने शाह अबुल माली को बंदी बना लेता है, और उसको जो है लाहौर भिजवा दिया जाता है शाह अबुल माली को। इसके बाद जो है ये आगे कभी भी परेशान नहीं करता है। तो इस प्रकार से शाह अबुल माली का दमन हो जाता है। उस पर दूसरा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेमू पर विजय। हेमू कौन था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि आदिल शाह सूर उसका सेनापति था। देखिए, आदिल शाह सूर ये कौन है, तो जो शेर शाह सूरी उसका वंशज बताता है खुद को। देखिए, शेर शाह सूरी के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह वो शासक बनता है, जो कि 1545 से 1553 तक शासन करा। 1553 में इस्लाम शाह का 12 साल का बेटा वो जो है शासक बनता है दिल्ली का, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, उसके मामा मुबारिज खां के द्वारा। और ये मुबारिज खां फिर जो दिल्ली के तख्त पर बैठता है, तो अपना नाम रखता है आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह सूर। तो ये जो है ना शेर शाह सूरी के उत्तराधिकार का मामा था आदिल शाह सूर, तो ये दिल्ली का शासक बन गया था। लेकिन जब फिर हुमायूं आता है, तो वो फिर जो है
पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार उस तरफ चला जाता है, बनारस को अपना ठिकाना बना करके, जो चुनार का किला है वहां पर अपना ठिकाना बना करके रहता है, और उसी का प्रधानमंत्री था हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, बहुत ही शक्तिशाली था हेमू। अब ये जो है ना हेमू, आदिल शाह सूर द्वारा हेमू को एक विशेष काम सौंपा जाता है, भारत से मुगलों को खदेड़ने का काम, और हेमू बिल्कुल शपथ ले लेता है कि मैं मुगलों को खदेड़ के रहूंगा, भारत में एक भी मुगल बचने नहीं पाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है उसने अपने स्वामी के लिए 24 युद्ध लड़े थे, 24, जिनमें से उसने 22 को जीते थे, 24 युद्ध लड़ा था उसमें से 22 जीता था, तो बहुत बड़ा ये योद्धा था, काफी युद्धों का इसको अनुभव था। तो देखिए, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है वैसे ही हेमू जो है दिल्ली आगरा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, पता चलता है कोई नहीं है, हुमायूं का एक बेटा है 13-14 साल का, उसको बादशाह बनाया गया है तो आराम से निपट लेंगे उससे, तो वो जो है निकल पड़ता है दिल्ली आगरा की तरफ और अधिकार भी कर लेता है। जो बैरम खां है दिल्ली का सूबेदार बना करके तारदी बेग को भेजा रहता है, लेकिन जो तारदी बेग है उसको बुरी तरह से परास्त कर देता है हेमू और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और वहां बकायदा अपना राज्याभिषेक करवाता है। देखिए हेमू के बारे में भी मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हेमू के बारे में पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे सारा कुछ। और उसके बाद हेमू दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, तो हेमू के संबंध में कहा जाता है कि ये मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर अपना दिल्ली का शासक बनने वाला एकमात्र हिंदू शासक था, ऐसा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दिल्ली पर अधिकार हो गया, अब उधर मुगल वो हैं, तो अब जो है दोनों के बीच, मुगलों के बीच मतलब अकबर या फिर कहें बैरम खां के बीच, बैरम खां अकबर और हेमू के बीच पानीपत, पानीपत वही स्थान है जहां पर 30 वर्ष पहले, ये 1556 का समय है, तो 30 वर्ष पहले मतलब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो वहीं पर उसी पानीपत के मैदान में फिर से एक बार 1556 में 30 वर्ष के बाद एक तरफ हेमू जो कि अफगानों की सेना का नेतृत्व कर रहा है और दूसरी तरफ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा है अकबर का संरक्षक बैरम खां, तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और इसमें जो हेमू है, हेमू की जो सेना है मुगलों पर भारी पड़ जाती है, मुगलों की हार लगभग तय होती है। बैरम खां यहां तक कहता है कि अब जो है पीछे हटना ही पड़ेगा, लेकिन इसी समय हेमू के आंख में एक तीर लग जाती है और वो घायल होकर गिर जाता है, आगे चल करके फिर बैरम खां द्वारा हेमू की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हेमू पर अकबर का विजय, मतलब हेमू पर अकबर विजय प्राप्त करता है, मतलब कि अकबर की तरफ से बैरम खां, तो ये एक समस्या समाप्त हो जाता है। देखिए पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हम लोगों को थोड़ा सा हेमू के बारे में भी जानना होगा, सिकंदर सूर के बारे में, सॉरी आदिल शाह सूर के बारे में भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको जानना जरूरी है, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग जो अकबर की जो भी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उसका निराकरण किस प्रकार से किया उसको देख रहे हैं। तो हेमू पर विजय प्राप्त हो गई। देखिए हेमू जो है ना ये सबसे बड़ा रोड़ा था, सबसे बड़ा कांटा था मुगलों को भारत में टिकने के लिए, तो ये समाप्त हो गया, तो अब जो है मुगलों का यहां टिकना लगभग तय हो गया। अगर हेमू यहां जीत जाता ना, मुगल हार जाते, तो फिर शायद मुगल यहां स्थापित नहीं हो पाते। तो हेमू का अंत हो जाता है और जो अकबर है, बैरम खां है, उनका दिल्ली आगरा में अधिकार हो जाता है। इसके बाद फिर अकबर की स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो ये दूसरा समस्या भी समाप्त हो गया। इसके बाद सिकंदर सूर, देखिए सिकंदर सूर जिसको 1555 में सरहिंद के युद्ध में बैरम खां ने बुरी तरह से परास्त कर दिया था, सिकंदर सूर को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा था, तो वो जो है भागा था, मरा नहीं था, मतलब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई ना तो वो भी थोड़ा सा फड़फड़ाने लगा कि चलो अब मौका मिला है, देखते हैं 13-14 साल का बच्चा आखिर कर क्या लेगा। देखिए सब ना अकबर को 13-14 साल का बच्चा छोकरा ऐसा समझते थे, लेकिन उसके पीछे कौन था, बैरम खां उसके साथ था, और बैरम खां बिल्कुल उसने जो बोल दिया वो करने वाला आदमी, मतलब कि वो धोखा वोखा देने वाला आदमी नहीं है, विश्वासघात करने वाला नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद था, और यही कारण है कि जो हुमायूं था उसने बैरम खां को यार वफादार की उपाधि दे रखी थी। यार वफादार मतलब कि वफादार दोस्त, भरोसेमंद दोस्त, हुमायूं के टाइम पर हुमायूं ने वो उपाधि दी थी। तो सिकंदर सूर अब ये जो है फिर से सोचता है कि अकबर बच्चा है, चलो देखते हैं, पंजाब में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चालू कर देता है, लेकिन इसको भी जो है इसका दमन कर दिया जाता है।
पीर मुहम्मद, एक मतलब मुगल सेनापति थे पीर मुहम्मद, उन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व किया और जो सिकंदर सूर था उसको फिर आत्मसमर्पण करना पड़ता है और वो फिर अकबर के साथ संधि करने की बात करता है और अपने बेटे को, अपने बेटे जिसका नाम था अब्दुल रहमान, उसको आगरा भेजता है अकबर के पास प्रस्ताव लेकर के। फिर वो फिर बताता है कि जो पिताजी हैं अपना सरेंडर कर रहे हैं, तो पूरा हथियार डाल देता है सिकंदर सूर। इसके बाद जो अकबर है सिकंदर सूर को माफ़ कर देता है और उसको बिहार में कुछ जागीर दे देता है। इस प्रकार से सिकंदर सूर इसका भी दमन हो जाता है। आगे चल करके ये मस्त बिहार में जो भी जागीर मिला हुआ होता है वही उतने में ही खुश रहता है, आगे कोई समस्या खड़ी नहीं करता है। तो सिकंदर सूर इसका भी अंत हो गया, दमन हो गया। उसके बाद आदिल शाह सूर, देखिए ये मतलब ना नाम बड़ा है आदिल शाह सूर, मतलब कि अपने आप को शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी मान रहा है और हेमू जैसा आदमी इसका प्रधानमंत्री है, इसका सेनापति है, उसने हेमू को नियुक्त कर रखा है मुगलों को भारत से भगाने के लिए। तो ऐसे में लग रहा है कि हेमू टाइप का शक्तिशाली आदमी, उसका स्वामी कितना शक्तिशाली होगा ये सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ जो आदिल शाह सूर है ये बड़ा ही निकम्मा टाइप का आदमी था, इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको हेमू जैसा प्रधानमंत्री मिला था जो बड़ा ताकतवर, बहुत मतलब हर मायने में एकदम बैरम खा टाइप का, जैसा बैरम खा था ना बिल्कुल वैसा ही था ये भी। तो ये बिल्कुल निकम्मा विलासी प्रवृत्ति का भोग विलास में डूबे रहने वाला व्यक्ति, जब 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर धोखे से उसके बेटे को मार करके खुद सत्ता प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही हुमायूं आता है, दिल्ली की स्थिति खराब होती है यार, तो वापस ये कहां, तो मतलब भाग जाता है वहां से, वापस नहीं, वहां से वो भाग जाता है कहां, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तरफ चला जाता है, चुनार के किले पर अधिकार कर लेता है, वहीं पर मस्त अपना भोग विलास में डूबा हुआ रहता है और वहीं पर फिर वो हेमू को अपना प्रधानमंत्री बनाता है और फिर मुगलों को भगाने के लिए लगा देता है। तो इसका अंत कैसे हुआ, दमन कैसे हुआ, तो देखिए आदिल शाह कहाँ का है, कहाँ पर ये शासन कर रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में जो कि बंगाल से लगा हुआ है। तो बंगाल का शासक था इस समय, नाम याद रखेंगे, बंगाल का शासक था जलालुद्दीन, उसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया आदिल शाह सूर के ऊपर। अब ये जो है युद्ध में मारा जाता है, तो इस प्रकार से इसका दमन हो गया और जो बंगाल का शासक है जलालुद्दीन। अब देखिए बंगाल की जो स्थिति थी ना वो बिल्कुल पूर्व में है, सुरक्षित जगह है, बाह्य आक्रमण का भी वहां खतरा नहीं होता। जैसे कि दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे उनको कभी मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, कभी तैमूर लंग के आक्रमण का सामना करना पड़ा, तो कभी बाबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पहले भी जो मोहम्मद गोरी हो गया, महमूद गजनवी हो गया, प्राचीन समय में भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाह्य आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन बंगाल जो है ना वो सिक्योर था, तो जो बंगाल के शासक थे वो दिल्ली में उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, वो लोग बंगाल बिहार तक ही खुश रहते थे। तो बंगाल का जो शासक है जलालुद्दीन वो आदिल शाह सूर की हत्या कर देता है, युद्ध में परास्त करके उसको मार डालता है। तो आदिल शाह सूर का पतन हो जाता है, वो फिर कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता उससे। उसके बाद आखिर में है बैरम खां। देखिए बैरम खां ये भी जो है अपने अकबर के लिए समस्या होता है, चुनौती होता है। मैंने बताया था कि जो बैरम खां है जो अपना, जब हम लोग पढ़ रहे थे चुनौतियों के बारे में तो संरक्षक की समस्या, तो उसमें मैं बताया था कि संरक्षक से जो दूसरे सरदार थे जो उसके अमीर थे वो लोग जलते थे, तो वो एक समस्या थी। वो अमीर लोग जो है जलते थे, उससे थोड़ा सा अमीरों के बीच आपसी मनमुटाव वो होता था, तो वो ठीक है वहां तक। लेकिन आगे चल करके जब धीरे धीरे अकबर बड़ा होने लगता है, 1556 में राज्याभिषेक हुआ था, 14 फरवरी 1556 में, तो उस समय वो 13 वर्ष का था। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, अब 1560 का समय आता है, 18-19 साल का हो जाता है। अब इस समय जो है अकबर वो छटपटाने लगता है कि वो जो है स्वतंत्र रूप से शासन करे, और जो बैरम खां है थोड़ा सा रोका टोकी इस टाइप की चीज़ें करता है। हालांकि उसके मन में कोई ऐसा नहीं होता है कि वो अकबर को हटा करके खुद शासक बने या किसी दूसरे को अपने पसंदीदा आदमी को बैठाए, ऐसा कोई उसका वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक होता है अकबर के मन में कि वो जो है बिना किसी के रोके टोके शासन करे, क्योंकि उसको पता चल जाता है आगे कि वो जिस पद में है, बादशाह है, आलमपना है, उसकी क्या हैसियत होती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, वो चीज़ उसको समझ में आ जाती है। इसके अलावा जो बैरम खां के विरोधी होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें जो अकबर के जो पालन पोषण करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो उनके संरक्षिका होती है, जैसे कि महामनगा जिन्होंने अकबर को दूध पिलाया था, जीजी अनगा हो गई, महामनगा का बेटा आधम खां,
हो गया, इसके अलावा जो मुनीम खां हो गया और भी दूसरे कई सारे लोग हो गए, जैसे कि जौहर शमशुद्दीन हो गया, शहाबुद्दीन हो गया, इसके अलावा अकबर की माता हमीदा बानू बेगम, तो ये सब थोड़ा सा नहीं चाहते थे कि जो अकबर है वो बैरम खां के नियंत्रण में रहे। तो ये सब जो है बैरम खां के खिलाफ अकबर को भड़काने लगते हैं, लेकिन जो अकबर है उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि बैरम खां, जिसको कि अकबर खान बाबा कहा करता था, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं अकबर के कान में इतना कुछ भर देते हैं कि अकबर विवश हो जाता है और वो जो है बैरम खां को जो वकील सल्तनत अपना वजीर नियुक्त किया था उस पद से हटा देता है और बैरम खां को फिर मक्का भेज दिया जाता है, लेकिन रास्ते में फिर बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। बैरम खां के ऊपर भी डिटेल में वीडियो आएगा सारा कुछ, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, कब संरक्षक बना, फिर क्या कुछ हुआ, किस टाइप से षड्यंत्र चला, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ समस्याएं थी अकबर के सामने जिसका कि अकबर ने कुशलतापूर्वक समाधान किया, उनको निपटाया। हालांकि इसमें अकबर खुद का दिमाग नहीं था, बैरम खां की सहायता से उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि बैरम खां, जिसकी सहायता से अकबर ने अपनी तमाम चुनौतियों को निपटाया, चुनौतियों का निराकरण किया, अंत में वही बैरम खां भी अकबर के लिए समस्या बन गया और उसका भी दमन करना पड़ा अकबर को। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।